बना रहे हैं आलू गोभी। एक आलू लिया है हमने और आधा किलो गोभी, आधा पाव हमने तेल लिया है। ये हमने एक छोटी प्याज ली है जो हमने काट ली है, ये डाल देंगे हम। जीरा बाद में डाला जाता है। जीरा हमने एक चमची डाली है छोटी वाली। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ। मेरे पास कुटी हुई मिर्चें हैं, एक चम्मच में कुटी हुई मिर्चें डालूंगी इसके अंदर, एक चम्मच से ज़्यादा डाली है मैंने। आधी चम्मची हल्दी ली है हमने, दो अदरक टमाटर लिए वो भी डाल दिए हमने। अब इसको हम भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। टमाटर को नरम करने के लिए रखना है हमने दो मिनट के लिए, उसके बाद हम मसाला भूनेंगे। टमाटर गल गए हैं और मसाला हमारा भूनेंगे करीब है, दो मिनट लगेंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अब हम डालेंगे गोभी। और एक आलू, अब नमक डालेंगे, हद से ज़रूरत नमक डाला है हम, और इसको चलाएंगे। अगर आप इलाची में रहते हैं तो बस थोड़ा सा पानी डालिएगा इसके अंदर, ज़्यादा पानी नहीं पड़ता है इसको जलाने के लिए, इलाची में जल्दी गल जाता है आलू गोभी। तो हम दो कप घी पानी डालेंगे इसको गलाने के लिए, उसको धीमी आंच पर रख देंगे गलने तक। जब भी गलेगा फिर हम आपको दिखाएंगे। गोभी आलू गल चुके हैं, अब हम इसको भूनना है दो मिनट में, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अदरक हरी मिर्ची और हरा धनिया डालना है। बहुत आसानी से तैयार हो जाता है ये आलू गोभी, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा जायका आएगा। तैयार हो गए,